ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है। सत श्री अकाल भाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ, दे जाओ, दे ए, तुम चलो। ए बगा, इकड़े बगा जाओ। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत है आप सभी का पॉलीग्राट स्टूडियोज में। आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर के रहने वाले मोइन खान ने पैसे कमाने के लिए कार धोने से लेकर राशन की दुकान तक घर और पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने खाकी वर्दी पहनने का भी सपना देखा और आज उनके कंधे पर सितारे चमक रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा के ठंडा पानी गांव के रहने वाले मोइन खान के माता पिता अशिक्षित थे और मोइन अपने घर में ग्रेजुएशन पूरा करने वाले पहले इंसान है। वो बताते हैं कि उनके बड़े भाई को डाउन सिंड्रोम था और उनका इलाज चल रहा था। मोइन खान के पिता मोहम्मद शरीफ दूध बेचने का काम करते थे। इसके बाद उन्होंने गुजरात में एक ढाबा खोला, लेकिन साल 2009 में उनका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद परिवार की जिम्मेदारी मोइन के कंधों पर आ गई और परिवार की मदद के लिए मोइन ने छोटे मोटे काम करने लगे। मोइन ने किसी तरह अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की, लेकिन इसके बाद उन्हें काम के साथ पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही थी। फिर उन्होंने साल 2012 में कॉरेस्पोंडेंस के जरिए कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। इस दौरान राशन की दुकान पर काम भी करते थे। ग्रेजुएशन के बाद वो पिज्जा हट में वेटर के तौर पर काम करने लगे। 3 सालों तक मोइन ने 2500 रुपए प्रति माह की तनख्वाह पर काम करते थे। वो शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक वेटर का काम करते थे और इसके साथ ही बीबीए की पढ़ाई भी करते थे। पिज्जा हट में नौकरी के बाद उन्हें लगा कि पैसों की बिल्कुल भी बचत नहीं हो रही है। इसके बाद उन्होंने दोस्तों की मदद से नरवाल में कार धोने का बिजनेस शुरू किया और 3 साल तक वो ये काम करते रहे। साल 2016 में मोइन खान ने सब इंस्पेक्टर की भर्ती का विज्ञापन देखा और उनके मन में पुलिस अफसर बनने का सपना जाग गया। उन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन इसकी तैयारी कैसे करनी है इसकी जानकारी नहीं थी। उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया कि एक आईपीएस ऑफिसर एक हॉल में उन छात्रों को कोचिंग देता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आईपीएस अफसर संदीप चौधरी जम्मू कश्मीर के शोपिया के रहने वाले हैं और जम्मू में ऑपरेशन ड्रीम्स चलाते हैं, जहां आर्थिक रूप से कमजोर छात्र को पढ़ाते हैं। और मोइन ने संदीप चौधरी की क्लास में एडमिशन लिया और कड़ी मेहनत से परीक्षा पास करने में सफलता हासिल की। दिसंबर 2018 में परीक्षा के नतीजे आए और मोइन का चयन सब इंस्पेक्टर के लिए हो गया। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हम आपको ये इंस्पिरेशन कहानी क्यों सुना रहे हैं, पर आपको शायद पता नहीं होगा कि इस कहानी का कनेक्शन होगा सूर्यवंशी 2 की कहानी से। वो कैसे होगा वो जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ हमारे इस अगली वीडियो में। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो का यहीं पे करते हैं अंत। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।